वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के कई ग्रामीण मंगलवार को वजीरपुर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने आदिवासी मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष जवान सिंह मोहचा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कबड्डी खिलाड़ी छात्रा पिस्ता मीणा को न्याय दिलाने की मांग रखी। ज्ञापन में आदिवासी मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष का आरोप है कि ग्राम पंचायत खजूरी गांव खजूरी तहसील नैनवा जिला बूंदी की कबड्डी खिलाड़ी बहन पिस्ता मीणा के साथ खेल अधिकारियों द्वारा राजनीतिक रसूखदारी के चलते नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में चयन होने के बावजूद उनका नाम काटकर किसी अन्य लड़की का नाम भेज दिया गया। प्रतिभा का दमन करके राजनीतिक ताल्लुक रखने वालों का चयन कर लिया गया। पिस्ता मीणा ने 5 बार जिला स्तरीय टूर्नामेंट और 2 बार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग ले चुकी हैं। जिस लड़की का चयन किया गया है वो पिस्ता मीणा से खेल में बहुत पीछे है। फिर चयनकर्ताओं ने मिलीभगत से या यूं कहें राजनीतिक दबाव के चलते पिस्ता मीणा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया। हाल ही में पीजी कॉलेज में खेलने गई थी जहां उनका चयन हो गया था। इसके लिए टीम सिलेक्ट करनी थी जिसमें चयनकर्ताओं ने अंत समय में पिस्ता मीणा का नाम हटा दिया। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की तो चयनकर्ता कुशाल चौधरी की पत्नी द्वारा पीड़िता को धमकाया गया। पिंटू बडोली का आरोप है कि कबड्डी खिलाड़ी पिस्ता मीणा की योग्यता और प्रतिभा का गला घोटकर अन्य खिलाड़ी को उसके स्थान पर नेशनल के लिए चुना है, जबकि चयन पिस्ता मीणा का होना था। यथाशीघ्र पिस्ता मीणा के साथ न्याय किया जाए और दोषी सिलेक्टर सहित अन्य सहभागियों पर उचित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में दान सिंह मीणा, कुलदीप हरिलाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। आज जो आपने ये ज्ञापन दिया है इसमें विशेष समस्या क्या है? हमने जो ज्ञापन दिया है एन पिस्ता जो एक पढ़ाई जब से उन्होंने पढ़ाई शुरुआत की थी तब से उनका खेल प्रतियोगिता में रुचि थी और 8वीं क्लास से ही वो एक कबड्डी प्रतियोगिता में खेलने में माहिर थी, मगर जिसका राज्य स्तर पर मैं उसमें चयन हूँ। सरोजी ये रोका गया है क्योंकि पिस्ता मीणा एक किसान और मजदूर की बेटी थी और इसीलिए हम आपको ये ज्ञापन देकर आपको और सरकार को सारे तंत्र को अवगत कराना चाहते हैं कि ये भेदभाव एक किसान की बेटी मजदूर की बेटी के साथ ही क्यों हुआ, जबकि वो काबिल है नेशनल में खेलने के लिए, उसका चयन तो 100% होना चाहिए। इसीलिए प्रतिभाएं रह रही हैं देश में और ये जो अब चयन हो रहे हैं ये भेदभाव।